स्टूडेंट्स, आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने अध्ययन में पूरी रुचि के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे होंगे। हम लोग साझेदारी चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में थर्ड लेसन में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मींस साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस के इफेक्ट को देख लिया था, जिसमें हमने मेनली गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइजिंग रेशियो को देखा था और उसके ऊपर डिपेंड कुछ एग्जांपल्स को भी हमने सॉल्व कर लिया था। उसके बाद आज हम जिस नवीन टॉपिक पर स्टडी करेंगे वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत ही आता है। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सपोज दैट कोई पार्टनरशिप पहले से चल रही है और उस पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना है, पुनर्गठन करना है। साझेदारों ने लाभ हानि के विभाजन के अनुपात को चेंज कर लिया या किसी नए पार्टनर की एंट्री हो गई या कोई पार्टनर रिटायर कर गया या किसी पार्टनर की डेथ हो गई। किसी भी सिचुएशन के कारण पार्टनरशिप फर्म का जब रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाना है तो ऐसी स्थिति में ऐसा भी संभव है कि फर्म के पास कुछ लाभ की राशि बैलेंस हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ अमाउंट पड़ा हुआ हो, या फर्म ने कुछ संचय बना रखा हो, कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति के लिए कुछ संचय बना रखा हो, अपने इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन से निपटने के लिए कुछ संचय बना रखा हो। मींस जैसे एक सामान्य व्यक्ति अपने भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ धनराशि संचित करके रखता है जिससे किसी आपदा और विपत्ति के समय वह उसको यूज कर सके, ठीक ऐसे ही जो संस्थाएं होती हैं वे भी भविष्य के खर्चों के लिए, भविष्य की आवश्यकताओं के लिए होने वाले लाभों में से कुछ राशि निकाल कर रखती हैं और इस पैसे को जहाँ रखती हैं उसे हम रिजर्व के नाम से जानते हैं, कोष संचिति के नाम से जानते हैं और बेसिकली फंड के रूप में तब इसे कहा जाता है जब इस रिजर्व के अमाउंट को हम बाहर कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के लिए, तो वो फंड का रूप धारण कर लेता है। तो अगर किसी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जा रहा है और फर्म में ऐसे भी कुछ आइटम्स हैं या ऐसी कुछ मदें हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ अमाउंट का पड़ा होना, वर्कमैन कंपेंसेशन के रूप में कुछ अमाउंट पड़ा होना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रूप में कुछ अमाउंट पड़ा होना या रिजर्व के रूप में कुछ अमाउंट पड़ा होना, उस अमाउंट के साथ हम क्या करेंगे, तो उसी चीज को सॉल्व करने के लिए, उसी अमाउंट्स को एडजस्ट करने के लिए ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो में आप देखेंगे कि फर्म के पास जो भी रिजर्व्स हैं उन रिजर्व के साथ हम क्या करते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग है संचित लाभ एवं संचयों के वितरण का लेखांकन व्यवहार, ना मींस एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व का हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि इसमें दो स्थितियां होती हैं। एक स्थिति तो ये है रिकॉन्स्टिट्यूशन करने पर जो भी रिजर्व्स हैं, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हैं, जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स हैं, इन सबको हम क्या करें, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करके खाते को बंद कर दें। मींस ये जो अकाउंट्स खुले हुए थे इन सारे अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाना और इसके बैलेंस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाना। अब किस सिचुएशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और किस सिचुएशन में पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसको आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं, यहां पर उसे बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये जाने कि इस तरह की जो भी हमने रिजर्व्स बना रखे, जो भी अकाउंट्स हमने मेंटेन कर रखे हैं, उसके अमाउंट को हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है और जैसे ही इस बैलेंस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं यह अकाउंट अपने आप बंद हो जाता है, क्योंकि जब इस अकाउंट में पैसे ही नहीं है, उस पैसे को हमने ट्रांसफर कर लिया तो अकाउंट क्या हुआ, क्लोज हो गया। एक दूसरी सिचुएशन होती है कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम इन अकाउंट्स को क्लोज नहीं करेंगे बल्कि इसकी एक एडजस्टमेंट कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट सिचुएशन को देखते हैं। प्रथम स्थिति जब संचित लाभ और संचय खाते बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है, इन अकाउंट को हमें क्लोज करना है। ऐसी स्थिति में संचय एवं लाभों के शेष को
पुराने साझेदार होंगे। ध्यान देना किसको ये डिवाइड किया जाना है, पुराने साझेदारों को मींस ओल्ड पार्टनर्स को। अगर कोई पार्टनर एंट्री कर रहा है ठीक है तो उस पार्टनर को नहीं दिया जाना है, पुराने जितने साझेदार हैं उन पुराने साझेदारों को मींस ओल्ड पार्टनर्स को पूंजी या चालू खाते में कहां ट्रांसफर करना है अमाउंट को, उनके कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और किस रेशियो में, पुराने लाभ हानि अनुपात में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसे ट्रांसफर करना है। तो यहां पर तीन बातें हैं, पहली चीज तो इस फंड को हम ट्रांसफर कहां करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर करने के लिए कहां पैसा भेजेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या पार्टनर्स करंट अकाउंट में पैसा भेजेंगे। और इस अमाउंट को किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये यहां पे तीन पॉइंट्स हैं, इन तीन पॉइंट्स के द्वारा आप जो है इसके एडजस्टमेंट को करेंगे। अब देखिए हम करेंगे कैसे इसको ट्रांसफर, करने के लिए क्या होता है, ये हमारे पास आइटम्स है, जैसे हमने संचित और अवितरित लाभ है, मींस हमने रिजर्व बना रखा है, या ये अनडिवाइडेड प्रॉफिट हमारे पास है, प्रॉफिट एंड लॉस है हमारे पास। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अमाउंट को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, जैसे एज बी सी जितने भी पार्टनर्स उनमें डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आर करंट अकाउंट। इस जर्नल एंट्री के थ्रू जो प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट है उस अमाउंट को हम इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब जब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने लगेंगे तो वहां पे हमें ये जो लिखा हुआ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, इसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन कैसे होगा, लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, सपोज दैट देयर आर थ्री पार्टनर्स ए बी एंड सी, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और टू एज करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट। मींस अगर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए अलग लिखेंगे, करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए तो अलग लिखेंगे ठीक है, और डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ठीक। मींस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट मतलब ये है कि ओल्ड पार्टनर्स के जो नेम होंगे उस नेम के अकॉर्डिंग करेंगे, सपोज दैट एक्स वाई जेड है, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट एंड जेड जेड कैपिटल अकाउंट ठीक है। ऐसे ही संचयों के वितरण के लिए ठीक, अगर रिजर्व कुछ है, रिजर्व है या जनरल रिजर्व है, तो उसके अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करेंगे, रिजर्व और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ पे भी ओल्ड पार्टनर्स की करंट और कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे। दूसरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। कभी कभी जो भी कर्मचारी होते हैं ठीक है, उन कर्मचारियों के साथ कुछ घटना घटित होने पर उन्हें कुछ कंपनसेशन देने की व्यवस्था होती है। सपोज दैट आपकी फर्म में कोई मशीन है, उस मशीन को ऑपरेट करना थोड़ा खतरनाक है, उसको ऑपरेट करने के दौरान आपके वर्कर का हाथ कट सकता है ठीक है, या फिर और कोई इस तरह की कोई इंसिडेंट्स हो सकती है, कोई घटना हो सकती है जिसके कारण कुछ नुकसान हो जाए, और नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। तो क्षतिपूर्ति को अगर हम लाभों में से निकाल कर देते हैं तो वो हमारे बिजनेस के लिए, उसकी वर्किंग कैपिटल के लिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बात होती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, ऐसी घटनाओं के लिए भी कुछ अमाउंट प्रॉफिट में से निकाल कर ट्रांसफर कर देते हैं। तो सपोज दैट हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट बना रखा है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय बना रखा है कि अगर कभी कोई घटना घटित हुई तो पैसा यहाँ से निकाल कर उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाएगी। अब क्या हो रहा है, तो फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, पुनर्गठन हो रहा है, तो पुनर्गठन होने के दौरान वो उस फंड में या उस रिजर्व में अमाउंट पड़ा हुआ है, उस अमाउंट को भी हमें ट्रांसफर कर लेना है ठीक है, उस अकाउंट को भी क्लोज कर देना है ठीक है। तो उसके लिए हम एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस एंट्री को करने के पहले थोड़ा सा हमें देखने की आवश्यकता ये होगी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो अमाउंट पड़ा हुआ है, वर्कर्स को कंपनसेशन के रूप में कोई देने की कोई लायबिलिटी तो नहीं बची हुई है। अगर कोई लायबिलिटी बची हुई तो उस इस फंड में से या इस रिजर्व में से उस लायबिलिटी को क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं। उसके बाद जो अमाउंट बचता है उस अमाउंट को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। और उसके लिए जर्नल एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ की ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीन क्या है, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट होता है निवेश उच्चावचन संचय, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, अपने बिजनेस के दौरान प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट निकालकर वो इन्वेस्ट कर देते हैं ठीक है, और उस इन्वेस्टमेंट के कारण इनकी वैल्यू होती है, और जो भी इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं उन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन होता है, उतार चढ़ाव होता है। कभी उन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, कभी उनकी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे हमने शेयर में अगर इन्वेस्ट किया तो कंपनी के शेयर का दाम बढ़ गया,
मिसिया उच्च की स्थिति है, और अगर शेयर का दाम गिर गया तो यह वचन की स्थिति है, मीन्स उच्चा वचन मीन्स उतार और चढ़ाव की स्थिति। तो यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट निकाल के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में रख देते हैं। अब अगर इन्वेस्टमेंट का दाम गिर गया तो वहां पे क्या करेंगे, इस अमाउंट से निकाल के उस अमाउंट को मेंटेन करके इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को पब्लिक में एक्यूरेट शो करेंगे, ठीक ठाक पोजीशन पे शो करेंगे, और अगर बढ़ गया तो वहां से निकाल के हम यहाँ पे फंडिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, फंड बना लेते हैं, रिजर्व के रूप में बना लेते हैं, और उस रिजर्व को भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे हमें क्या करना होता है, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर देना होता है। तो इसके लिए जनरल एंट्री करनी होती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंटेबल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो रही हमने प्रॉफिट्स में से अगर कुछ संचित करके रख लिया है लाभों के रूप में या संचय के रूप में, कंपेंसेशन के रूप में या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रूप में। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्म में कुछ लॉसेस हो जाते हैं या कुछ एक होता है आपका, उसको बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मीन्स आपने कोई अमाउंट खर्च ऐसा कर दिया जिसका बेनिफिट आपको कई वर्षों तक मिलना है और उसे थोड़ा थोड़ा करके आप राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो इस जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह आपने 4-5 साल के लिए किया और खर्च आपने एक मुश्त कर दिया, इसको धीरे धीरे करके आप 4-5 साल में उसको एडजस्ट करने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर फर्म में कोई लॉस है या कोई ऐसा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, जो कि फर्म में बना हुआ है और उसका एडजस्टमेंट नहीं किया गया है, तो जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाएगा तो जैसे हमने प्रॉफिट्स को या प्रॉफिट्स से निकाले हुए अमाउंट को हमने क्या कर दिया, ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया, वैसे ही जो लॉसेस हैं या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं जिनको राइट ऑफ करना है, उस अमाउंट को भी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना होगा, ट्रांसफर करके उसको राइट ऑफ कर देना होगा, उसको खत्म कर देना होगा, ठीक है, और उसके लिए अकाउंट को क्लोज कर देना होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अभी तक देखिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ करता था, मींस ये अमाउंट के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाना था। अभी क्या होगा, लॉस है या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है, उसको राइट ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा क्योंकि ये उनके लिए नुकसान है। तो उसके लिए एंट्री करेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। ये तो सिचुएशन तब है जब अकाउंट में जो भी हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के दौरान जितने भी अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स को हम क्लोज कर रहे हैं और क्लोज करके अपनी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक दूसरी स्थिति क्या होती है कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम रिकॉन्स्टिट्यूशन के दौरान इन सारे अकाउंट्स को क्लोज नहीं करेंगे बल्कि एडजस्टमेंट के द्वारा आपस में समझौता कर लेंगे। तो द्वितीय स्थिति है जब लाभ हानि संचय खाता बंद नहीं किए जाते। अगर बंद नहीं किए जाते तो क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में लाभ हानि संचयों का पूंजी खाते के माध्यम से समायोजन किया जाता है, ठीक है ना। हम उसमें एक इफेक्ट देखने का प्रयास करते हैं कि इस कैपिटल का या इस फंड का जो इफेक्ट है वो कैसा इफेक्ट है, ये इफेक्ट हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव इफेक्ट है, फर्म के लिए पॉजिटिव इफेक्ट है या निगेटिव इफेक्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है। इसमें हम बेसिकली 3 स्टेप्स को अडॉप्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, सर्वप्रथम लाभ संचय हानि का शुद्ध प्रभाव ज्ञात करते हैं, इसका इफेक्ट देखने का प्रयास करते हैं कि हमारी अकाउंटिंग पे कैसा इफेक्ट डाल रहा है। इफेक्ट देखने के बाद हम पार्टनर्स की सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो को पता कर लेते हैं कि भाई इस पार्टनर के आने से या इस पार्टनर के जाने से भी रिकॉन्स्टिट्यूशन के पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। या तो पहला कारण क्या हो सकता है, पार्टनर्स की एंट्री हो रही हो, ठीक है, पार्टनर्स की एंट्री हो रही हो फिर भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्लक्चुएट कर जाएगा, किसी पार्टनर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो उसका पार्ट बचेगा उसमें भी रिकॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी, वहां भी प्रॉफिट एंड लॉस फ्लक्चुएट कर जाएगा। किसी पार्टनर की डेथ कर जाती है तो भी उसका रिटायरमेंट जैसा ही स्थिति है, उसका पार्ट खाली हो गया तो वो ओल्ड पार्टनर्स पर डिवाइड कर दिया जाएगा तो वहां पे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो रेशियो फ्लक्चुएट कर गया। या इन लोगों ने आपस में डिसाइड किया भाई सब ठीक है सब जिंदा है लेकिन हम क्या करेंगे हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चेंज हो जा रहा है। तो इसी सिचुएशन हमने पिछली वीडियो में देखा है, वहां पे हमने ढेर सारे एग्जांपल्स को सॉल्व कर रखा है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और हो गया, तो इसमें किसी ने गेन किया किसी ने सैक्रिफाई किया, किसका गेनिंग रेशियो क्या है सैक्रिफाइंग रेशियो क्या है, और वहां पर हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना सीखा था। तो ठीक वैसे ही हम देखते हैं कि कौन सा पार्टनर है जो सैक्रिफाई कर रहा है और कौन सा पार्टनर क्या है जो गेनिंग कर रहा है, तो उस हिसाब से गेनिंग करने वाले और सैक्रिफाई करने वाले पार्टनर्स में हम एक एडजस्टमेंट की एंट्री कर देते हैं। लेकिन अगर क्या है वो उस आइटम का अगर पॉजिटिव इफेक्ट है फर्म के लिए तो ऐसी स्थिति में क्या करें, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है,
और अगर उसका निगेटिव इफेक्ट है, नुकसानदायक है, तो ऐसी स्थिति में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लोग जिनके अमाउंट्स कम होते हैं वो ले आकर उसकी छत पूर्ति कर देते हैं, ठीक है, और फर्म को क्या करते हैं फिर से मेंटेन कर लेते हैं, और हमारे जो अकाउंट्स खुले हुए थे ये सारे के सारे अकाउंट्स हमारे काम करते रहते हैं। तो दो स्थितियां हैं जिनमें पहली स्थिति ऐसी रही कि जिसमें हमने अकाउंट्स को क्लोज करना सीखा, दूसरी स्थिति है कि जिसमें हम अकाउंट को क्लोज नहीं कर रहे हैं बल्कि अकाउंट्स की जो इफेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें क्या कर रहे हैं ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमें देखने को ये मिला कि रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर अगर फर्म के पास कोई प्रॉफिट नेचर का रिजर्व है या कोई लॉस नेचर का रिजर्व है या कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है तो उसको हम किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसको हम एडजस्ट करते हैं और अकाउंट्स को कैसे क्लोज करते हैं या अकाउंट्स क्लोज नहीं करते हैं तो किस तरह के ट्रीटमेंट्स वहां पे करते हैं। तो उम्मीद होगी इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो मैं बार बार कह रहा हूँ आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य पूछें। जिन बच्चों ने पूछा है उनको सेटिस्फाइड करने के लिए हमने उसका जो रिस्पॉन्स हो सकता है हमने देने का भी प्रयास किया है। तो आप लोग भी देखें, अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो अवश्य पूछें। थैंक यू।